हाँ आखिरकार फाइनली हो गया बिकॉज आई थिंक राघव को लगता है कि ही आई डोंट डिजर्व हिम एंड ही डजंट डिजर्व मी एंड आई ही थिंक्स दैट आई शुड डिजर्व समवन बेटर वेल्स मुझे लगता है कि राघव इज पिक्चर परफेक्ट फॉर मी बट आई थिंक इसलिए वी आर नो मोर टुगेदर अबे चल इतना कुछ लड़की ने डिवोर्स के पेपर्स आपके ऊपर फेंक दिए उससे भी समझ में नहीं आ रहा राघव को कि क्या चाहती है लड़की नहीं द थिंग इज हमारे साथ पहले जो भी हमारे मोमेंट्स गए उसमें गुस्से में जो भी इसने कहा तो यू टेंड टू बिलीव दैट दैट्स ऑलवेज एट द बैक ऑफ योर हम एक डील हुई थी कि तू वापस आ जा 7 दिन के लिए तो जो भी लड़ाइयाँ इसके पहले भी हुई है तो कुछ मोमेंट्स अच्छे भी गए हैं बट यू डोंट टेंड टू फॉरगेट दोस और उसमें कितने बार डिवोर्स की बात हुई और छोड़ने की बात हुई तो उसे लगता है कि नैना उसके साथ खुश नहीं है और वाकई में ये शादी इज अ डिजास्टर एंड वो गलत सिचुएशन में उसकी शादी हुई तो अब उसे नैना को फ्री कर देना चाहिए और ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए तो दोनों के आंखों में आंसू भी आ गए यार तो मतलब तो इसके बाद हम यही जाने कि दोनों राघव और नैना अलग हो चुके हैं पक्का या फिर कुछ आई थिंक मोस्टली तो हो चुके हैं आपको क्या लगता है आई थिंक वी शुड प्ले क्विज लेट द फैंस डिसाइड लेट द व्यूअर्स डिसाइड अगर हम वैसे भी हम बहुत कट टू कट है शूट करते हैं वो आ रहा है फटाफट वो उनको फटाफट पता चल जाएगा थैंक यू थैंक यू थैंक्स